यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 320वां अध्याय। राजा जनक की परीक्षा करने के लिए आई हुई सुलभा का उनके शरीर में प्रवेश करना, राजा जनक का उस पर दोषारोपण करना एवं सुलभा का युक्तियों द्वारा निराकरण करते हुए राजा जनक को अज्ञानी बताना। राजा जिस समय दूसरों को कुछ करने की आज्ञा देता है उस समय वहाँ उसकी स्वतंत्रता बताई जाती है, परंतु ऐसे अवसरों पर भी भिन्न भिन्न क्षणों में राजासन पर बैठा हुआ नरेश सलाह देने वाले मंत्रियों द्वारा अपनी इच्छा के विपरीत करने के लिए विवश कर दिया जाता है। वो सोना चाहता है परंतु कार्यार्थी मनुष्यों द्वारा घिरा रहने के कारण सोने नहीं पाता। शैया पर सोए हुए राजा को भी लोगों के अनुरोध से विवश होकर उठना पड़ता है। महाराज स्नान कीजिए, तेल लगवाइए, पानी पीजिए, भोजन कीजिए, आहुति दीजिए, अग्निहोत्र में संलग्न होइए, अपनी कहिए और दूसरे की सुनिए। ये सारी बातें कह कहकर दूसरे लोग राजा को वैसा करने के लिए विवश कर देते हैं। याचक मनुष्य सदा निकट आ आकर राजा से धन की याचना करते हैं, किंतु जो लोग दान के श्रेष्ठ पात्र हैं उनके लिए भी वो कुछ देने का साहस नहीं करता। अपने धन को सर्वथा सुरक्षित रखना चाहता है। यदि सबको धन का दान करे तो उसका खजाना ही खाली हो जाए और किसी को कुछ ना दे सके तो सबके साथ वैर बढ़ जाए। उसके सामने क्षण क्षण में ऐसे दोष उपस्थित होते हैं जो उसे राजकाज से विरक्त कर देते हैं। विद्वानों, शूरवीरों तथा धनियों को भी जब वो एक स्थान पर जुटा हुआ देख लेता है तब उसके मन में उनके प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। जहाँ भय का कोई कारण नहीं है वहाँ भी राजा को भय होता है। जो लोग सदा उसके पास बैठते उठते या सेवा में रहते हैं उनसे भी वो सशंक बना रहता है। राजन, मैंने जिनका नाम लिया है वो विद्वान और शूरवीर आदि अपने प्रति राजा की आशंका देखकर सचमुच ही उसके प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं, और फिर उनसे राजा को जैसा भय प्राप्त होता है उसको आप स्वयं ही समझ लें। जनक, सब लोग अपने अपने घर में राजा हैं और सभी अपने अपने घर में गृहस्वामी हैं। सभी किसी को दंड देते हैं और किसी पर अनुग्रह करते हैं, अतः वो सब लोग राजाओं के समान ही हैं। स्त्री, पुत्र, शरीर, कोष, मित्र तथा संग्रह, ये सब वस्तुएं राजाओं की भांति दूसरों के पास भी साधारणतया रहते ही हैं। जिन कारणों से वो राजा कहलाता है उन्हीं युक्तियों से दूसरे लोग भी उसके समान ही कहे जा सकते हैं। हाय, देश नष्ट हो गया, सारा नगर आग में जल गया और वो प्रधान हाथी मर गया। यद्यपि ये सब बातें सब लोगों के लिए साधारण हैं, सब पर समान रूप से ये कष्ट प्राप्त होते हैं, तथापि राजा अपने मिथ्या ज्ञान के कारण केवल अपनी ही हानि समझकर संतप्त होता रहता है। इच्छा, द्वेष और भय जनित मानसिक दुख राजा को कभी नहीं छोड़ते हैं। सिर दर्द और शारीरिक रोग भी उसे सब ओर से नियंत्रण में रखकर व्याकुल किए रहते हैं। वो नाना प्रकार के द्वंद्वों से आहत और सब ओर से शंकित हो रातें गिनता हुआ अनेक शत्रुओं से भरे हुए राज्य का सेवन करता है, जिसमें सुख तो बहुत थोड़ा किंतु दुख बहुत अधिक है। जो सर्वथा सारहीन है, जो घास फूस में लगी आग के समान क्षण स्थायी और फेन तथा बुदबुद के समान क्षण भंगुर है, ऐसे राज्य को कौन ग्रहण करेगा और ग्रहण कर लेने पर कौन शांति पा सकता है? नरेश्वर, आप जो इस नगर को, राष्ट्र को, सेना को तथा कोष और मंत्रियों को भी ये सब मेरे हैं ऐसा कहते हुए अपना मानते हैं वो आपका भ्रम ही है। मैं पूछती हूं ये सब किसके हैं और किसके नहीं है? मित्र, मंत्री, नगर, राष्ट्र, दंड, कोष और राजा, ये राज्य के सात अंग हैं।
जैसे मेरे हाथ में त्रिदंड है, वैसे आपके हाथ में ये राज्य स्थित है। आपका सात अंगों वाला राज्य और मेरा त्रिदंड, ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं। फिर इनमें से कौन किस गुण के कारण अधिक है? राज्य के जो सात अंग हैं, उनमें सभी समय समय पर अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं। जिस अंग से जो कार्य सिद्ध होता है, उसके लिए उसी की प्रधानता मानी जाती है। रूपश्रेष्ठ, उक्त सात अंगों का समुदाय और तीन अन्य शक्तियां, ये सब मिलकर राज्य के दस वर्ग हैं। ये दसों वर्ग संगठित होकर राजा के समान ही राज्य का उपभोग करते हैं। जो राजा महान, उत्साही और क्षत्रिय धर्म में तत्पर होता है, वो कर के रूप में प्रजा की आय का दसवां भाग लेकर संतुष्ट हो जाता है, तथा उससे भिन्न साधारण भूपाल दसवें भाग से कम लेकर भी संतोष कर लेते हैं। साधारण प्रजा न हो तो कोई राजा नहीं हो सकता, राजा न हो तो राज्य टिक नहीं सकता, राज्य न हो तो धर्म कैसे रह सकता है, और धर्म न हो तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यहाँ राजा और राज्य के लिए जो परम धर्म और परम पवित्र वस्तु है, उसे सुनिए। जिसकी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी जाती है, अर्थात जो अपनी राज्य भूमि का दान कर देता है, वो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल का भागी होता है। मिथिला नरेश, जो राजा को दुख देने वाले हैं, ऐसे सैकड़ों और हजारों कर्म मैं यहाँ बता सकती हूँ। मेरी तो अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं है, फिर दूसरे के शरीर में कैसे हो सकती है? इस प्रकार योग युक्त रहने वाली मुझ सन्यासिनी के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। नरेश्वर, जब आपने महर्षि पंच शिखाचार्य से उपाय, उपनिषद, उपासंग और निश्चय, इन सब के सहित संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का श्रवण किया है, आप आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं और संपूर्ण बंधनों को काट कर खड़े हैं, तब आपकी छत्र, चंवर आदि विशेष विशेष वस्तुओं में आसक्ति कैसे हो रही है? मैं समझती हूँ कि आपने पंच शिखाचार्य से शास्त्र का श्रवण करके भी श्रवण नहीं किया है, अथवा उनसे यदि कोई शास्त्र सुना है तो उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया है, या ये भी हो सकता है कि आपने वेद शास्त्र जैसा प्रतीत होने वाला कोई और ही शास्त्र उनसे सुना हो। इतने पर भी यदि आप विदेहराज, मिथिलापति आदि इन लौकिक नामों में भी प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति आसक्ति और अवरोध से ही बंधे हुए हैं। यदि आप सर्वथा मुक्त हैं, तो मैंने जो बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश किया है, इसमें आपका क्या अपराध किया है? इन सभी वर्णों में ये नियम प्रसिद्ध है कि सन्यासियों को एकांत स्थान में रहना चाहिए। मैंने भी आपके शून्य शरीर में निवास करके किसकी किस वस्तु को दूषित कर दिया? निष्पाप नरेश, न तो हाथों से, न भुजाओं से, न पैरों से, न जांघों से, और न शरीर के दूसरे ही अवयवों से मैं आपका स्पर्श कर रही हूँ। आप महान कुल में उत्पन्न लज्जाशील तथा दीर्घदर्शी पुरुष हैं। हम दोनों ने परस्पर भला या बुरा जो कुछ भी किया है, उसे आपको इस भरी सभा में नहीं कहना चाहिए। यहाँ ये सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण विद्यमान हैं। इन गुरुओं की अपेक्षा भी उत्तम कितने ही माननीय महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, तथा आप भी राजा होने के कारण इन सब के लिए गुरु स्वरूप हैं। इस प्रकार आप सबका गौरव एक दूसरे पर अवलंबित है। अतः इस प्रकार विचार करके यहाँ क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसको जांच बूझ लेना आवश्यक है। इस भरी सभा में आपको स्त्री पुरुषों के संयोग की चर्चा कदापि नहीं करनी चाहिए। मिथिला नरेश, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल उस पत्ते का स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार मैं आपका स्पर्श न करती हुई आपके भीतर निवास करूंगी। यद्यपि मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ, तो भी यदि आप मेरे स्पर्श का अनुभव करते हैं, तो मुझे ये कहना पड़ता है कि उन सन्यासी महात्मा पंच शिख ने आपको ज्ञान का उपदेश कैसे कर दिया, क्योंकि आपने उसे निर्बीज कर दिया। पर स्त्री के स्पर्श का अनुभव करने के कारण आप गार्हस्थ धर्म से तो गिर गए, और दुर्बोध एवं दुर्लभ मोक्ष भी नहीं पा सके। अतः केवल मोक्ष की बात करते हुए आप गार्हस्थ्य और मोक्ष दोनों के बीच में लटक रहे हैं। जीवन मुक्त ज्ञानी का जीवन मुक्त ज्ञानी के साथ, एकत्व का पृथकत्व के साथ, तथा भाव का अभाव के साथ संयोग होने पर वर्ण संकरता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मैं मानती हूँ कि समस्त वर्ण और आश्रम पृथक पृथक बताए गए हैं, तथापि जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, जो अभेद ज्ञान से संपन्न है, और जो ये जानकर सारा बर्ताव करता है कि आत्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता है ही नहीं, तथा
अन्य वस्तु अपने से भिन्न दूसरी वस्तु में विद्यमान नहीं है, उसका किसी अन्य के साथ संयोग होना संभव नहीं है, अतः वर्ण संकरता नहीं हो सकती। हाथ में कुंडी है, कुंडी में दूध है और दूध में मक्खी पड़ी हुई है। ये तीनों परस्पर पृथक होते हुए भी आधाराध्येय भाव संबंध से एक दूसरे के आश्रित हो एक साथ हो गए हैं। फिर भी कुंडी में दुग्धत्व नहीं आया और दूध भी मक्खी नहीं बन पाया है। ये सारे आधेय पदार्थ स्वयं ही अपने से भिन्न आधार को प्राप्त होते हैं। सारे आश्रम पृथक पृथक हैं तथा चारों वर्ण भी भिन्न हैं। जब इनमें परस्पर पार्थक्य बना हुआ है, तब पृथकत्व को जानने वाले आपके वर्ण का संकर कैसे हो सकता है? राजन, मैं जाति से ब्राह्मणी नहीं हूं और ना वैश्या अथवा शूद्रा ही हूं। मैं तो आपके समान वर्ण वाली क्षत्रिया ही हूं। मेरा जन्म शुद्ध वंश में हुआ है और मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आपने प्रधान नामक राजर्षि का नाम अवश्य सुना होगा। मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुलभा है। मेरे पूर्वजों के यज्ञों में देवराज इंद्र के सहयोग से द्रोण, शतश्रृंग और चक्रद्वार नामक पर्वत यज्ञ वेदी में ईंटों की जगह चुने गए थे। मेरा जन्म उसी महान कुल में हुआ है। मैंने अपने योग्य पति के न मिलने पर मोक्ष धर्म की शिक्षा ली तथा मुनि व्रत धारण करके मैं अकेली विचरती रहती हूँ। मैंने सन्यासिनी का छद्म वेश नहीं धारण किया है। मैं पराये धन का अपहरण नहीं करती हूँ और न धर्म संकरता ही फैलाती हूँ। मैं दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ, अपने धर्म में स्थित रहती हूँ। जनेश्वर, मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होती हूँ। बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलती हूँ और आपके पास भी यहाँ खूब सोच विचार कर ही आई हूँ। मैंने सुना था कि आपकी बुद्धि मोक्ष धर्म में लगी हुई है, अतः आपकी मंगला कांक्षिणी होकर आपके इस मोक्ष ज्ञान का मर्म जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं स्वपक्ष और परपक्ष में से अपने पक्ष में स्थित हो पक्षपात पूर्वक ये बात नहीं कह रही हूँ, आपके हित को दृष्टि में रखकर बोलती हूँ। क्योंकि जो वाणी का व्यायाम नहीं करता और जो शांत पर ब्रह्म में निमग्न रहता है, वही मुक्त है। जैसे नगर के किसी सूने घर में सन्यासी एक रात निवास कर लेता है, इसी तरह आपके शरीर में मैं आज की रात रहूंगी। आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया, अपनी वाणी रूप आतिथ्य के द्वारा मेरा भली भांति सत्कार किया। मिथिला नरेश, अब मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके शरीर रूपी सुंदर गृह में सोकर कल सवेरे यहां से चली जाऊंगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, सुलभा के ये युक्तियुक्त और सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद और कोई बात न बोले। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुलभा और जनक का संवाद विषयक 320वां अध्याय पूरा हुआ। श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 321वां अध्याय, व्यास जी का अपने पुत्र सुखदेव को वैराग्य और धर्मपूर्ण उपदेश देते हुए सावधान करना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्व काल में व्यास पुत्र सुखदेव को किस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ था, मैं ये सुनना चाहता हूं। इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। हे गुरु नंदन, इसके सिवा आप मुझे व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का बुद्धि द्वारा निश्चित किया हुआ स्वरूप बतलाइए तथा अजन्मा भगवान नारायण का जो चरित्र है उसे भी सुनाने की कृपा करें। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पुत्र सुखदेव को साधारण लोगों की भांति आचरण करते और सर्वथा निर्भय विचरते देख पिता श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर ये उपदेश दिया। व्यास जी ने कहा, बेटा, तुम सदा धर्म का सेवन करते रहो और जितेंद्रिय होकर कड़ी से कड़ी सर्दी, गर्मी, भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणवायु पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, अक्रोध, दोष दर्शन का अभाव, इंद्रिय संयम, तप, अहिंसा और दया आदि धर्मों का विधि पूर्वक पालन करो। सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की वक्रता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवताओं
और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी का प्राण रक्षा के लिए आस्वादन करो। बेटा, ये शरीर जल के फेन की तरह क्षण भंगुर है, इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और ये प्रियजनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान, जगे हुए, सर्वथा उद्यत और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम अभी भी बालक हो, इसलिए समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी आयु के दिन गिने जा रहे हैं, आयु क्षीण होती जा रही है और जीवन मानो कहीं लिखा जा रहा है, फिर तुम उठकर भागते क्यों नहीं हो? अत्यंत नास्तिक मनुष्य केवल इस लोक के स्वार्थ को चाहते हुए शरीर में मांस और रक्त को बढ़ाने वाली चेष्टा ही करते रहते हैं। पारलौकिक कार्यों की ओर से तो वो सदा सोए ही रहते हैं। जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए मनुष्य धर्म से द्वेष करते हैं, वो सदा कुमार्ग से ही चलते हैं। उनकी तो बात ही क्या है, उनके अनुयायियों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए जो महान धर्म बल से संपन्न महात्मा पुरुष संतुष्ट और श्रुति परायण होकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम उन्हीं की सेवा में रहो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत जानकर तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। जिसकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उस बुद्धि के द्वारा भावी परिणाम को बहुत दूर जानकर जो निर्भय रहते और सब प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों को खाते रहते हैं, वो बुद्धिहीन मनुष्य इस कर्म भूमि के महत्व को नहीं देख पाते हैं। तुम धर्म रूपी सीढ़ी को पाकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ। अभी तो तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने आप को वासनाओं के जाल से ही लपेटते जा रहे हो, तुम्हें चेत नहीं हो रहा है। जो नास्तिक हो, धर्म की मर्यादा भंग कर रहा हो और किनारे को तोड़ फोड़ कर गिरा देने वाले नदी के महान जल प्रवाह की भांति स्थित हो, ऐसे मनुष्य को उखाड़े हुए बांस की तरह बिना किसी हिचक के त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें पांच इंद्रिय रूपी जल भरा हुआ है, ऐसी विषयाशक्ति रूपी नदी को तुम सात्विकी धृत रूप नौका का आश्रय ले पार कर लो और इस प्रकार जन्म मृत्यु रूपी दुर्गम संकट से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु के थपेड़े खाता हुआ वृद्धावस्था से पीड़ित हो रहा है। ये रातें प्राणियों की आयु का अपहरण करके अपने को सफल बनाती हुई बीत रही हैं। तुम धर्म रूपी नौका पर चढ़कर भवसागर से पार हो जाओ। मनुष्य खड़ा हो या सो रहा हो, मृत्यु निरंतर उसे खोजती फिरती है। जब इस प्रकार तुम अकस्मात मृत्यु के ग्रास बन जाने वाले हो, तब इस तरह निश्चिंत एवं शांत कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में ही लगा रहता है और उनसे तृप्त भी नहीं होने पाता है कि भेड़ के बच्चे को उठा ले जाने वाली बाघिन की भांति मौत उसे अपनी दाढ़ में दबाकर चल देती है। यदि तुम्हें संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करना है, तो हाथ में उस धर्म बुद्धिमय महान दीपक को यत्न पूर्वक धारण कर लो जिसकी शिखा क्रमशः प्रज्वलित हो रही हो। बेटा, जीव अनेक प्रकार के शरीरों में जन्मता मरता हुआ कभी इस मानव योनि में आकर ब्राह्मण का शरीर पाता है, अतः तुम ब्राह्मणोचित कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मण का ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं पैदा होता है, ये तो यहां क्लेश उठाकर तपस्या करने और मृत्यु के पश्चात अनुपम सुख भोगने के लिए रचा गया है। बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या करने से ब्राह्मण का शरीर मिलता है, उसे पाकर विषयानुराग में फंसकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो कुशल प्रद कर्म में संलग्न हो, सदा स्वाध्याय, तपस्या और इंद्रिय संयम में पूर्णतः तत्पर रहने का प्रयत्न करो। मनुष्यों का आयु रूप अश्व बड़े वेग से दौड़ा जा रहा है, इसका स्वभाव अव्यक्त है, कला काष्ठा आदि इसके शरीर हैं, इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, क्षण त्रुटि और निमेश आदि इसके रोम हैं, ऋतुएं मुख हैं, समान बल वाले शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं तथा महीने इसके विभिन्न अंग हैं।
वो भयंकर वेगशाली अश्व यहाँ की किसी वस्तु की अपेक्षा न रखकर निरंतर अविराम गति से वेग पूर्वक भागा जा रहा है। उसे देखकर यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि दूसरे के द्वारा चलाने पर चलने वाली नहीं है तो तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। तुम दूसरे धर्मात्माओं पर भी दृष्टि डालो। जो लोग यहाँ धर्म से विचलित हो स्वेच्छाचार में लगे हुए हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हुए सदा अनिष्टकारी अशुभ कर्मों में ही लगे हुए हैं, वो मरने के बाद यातना देह पाकर अपने अनेक पाप कर्मों के कारण अत्यंत क्लेश भोगते हैं। जो राजा सर्वदा धर्म परायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य विचार पूर्वक पालन करता है वो पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होता है। यदि वो स्वयं भी नाना प्रकार के शुभ कर्मों का आचरण करता है तो उसके फलस्वरूप उसे अप्राप्त एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है। परंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके मरण के पश्चात नरक में स्थित भयानक शरीर वाले कुत्ते, लौहमुख पक्षी, कौए, गीध आदि पक्षियों के समुदाय तथा रक्त पीने वाले कीट उनके यातना शरीर पर आक्रमण करके उसे नोचते और काटते हैं। जो मनुष्य मनचाही करने के कारण स्वयंभुव मनु की बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादाओं को तोड़ता है वो पापात्मा पितृलोक के असी पत्र वन में जाकर वहां अत्यंत दुख भोगता रहता है। जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट भरी बातें बनाने वाला और ठगाई में रत है तथा जो तरह तरह के साधनों से दूसरों को दुख देता है वो पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी वैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। असी पत्र वन में उसका अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाता है और परशु वन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार महानरक में पड़कर वो अत्यंत आतुर हो उठता है और विवश होकर उसी में निवास करता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बातें तो बनाते हो परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। भविष्य में तो जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है उसका तुम्हें पता ही नहीं है। वत्स, चुपचाप क्यों बैठे हो? जल्दी से आगे बढ़ो। तुम्हारे ऊपर हृदय को अत्यंत मथ डालने वाला भयंकर एवं महान भय उठ खड़ा हुआ है, अतः परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से भयानक यमदूतों द्वारा उनके सामने उपस्थित किया जाए इसके पहले ही सरलता रूप धर्म के संपादन के लिए प्रयत्न करो। यथार्थ मोक्ष।